फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स दोनों को जो है अवेयरनेस दी जाएगी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी वीमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये जो ऐप है ये दिस विल स्ट्रेंथन एंड गिव करेज टू ऑल द यंग वीमेन। सेफ सिटी अथॉरिटी वाले जो हैं बहुत प्रोफेशनल हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त जेंडर बैलेंस है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ 25% ख्वातीन काम करती हैं। रिस्पांस मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग डेली इस ऐप पे इनको कांटेक्ट करते हैं। ऑल्सो आई फील कि अब हम एम्बेसडर्स हैं एक ऐप के। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का एक मोटो है कि बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पुलिस कल्चर, तो ये एक उस तरफ ही एक कदम है। अस्सलाम वालेकुम, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निमशा अवान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं वीमेन सेफ्टी ऐप की अवेयरनेस के लिए कनेट कॉलेज में, जहां पे एक सेमिनार मुनक्किद किया जाएगा जहां पे उसके फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स दोनों को जो है अवेयरनेस दी जाएगी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी वीमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से। तो आइए चलते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, उसके बाद सजेशन और रिव्यूज़ लेते हैं। आइए मेरे साथ। जी नाजीन, अब हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ कनेट कॉलेज मैम रुखसाना डेविड और उसके साथ ही साथ पार्लियामेंट असम्बली की कारकुन मैम उस्मा करदार साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे रिमार्क्स लेते हैं कि वो इस ऐप के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये जो ऐप है ये दिस विल स्ट्रेंथन एंड गिव करेज टू ऑल द यंग वीमेन, और आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी अबाउट दिस। और आज जब के ये आए हैं और इन्होंने यू नो प्रोग्राम किया और अवेयरनेस दी है, तो आई थिंक दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन गेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द यंग वीमेन। अच्छा मैम, आप मुझे बताएं कि पहले कॉन्फिडेंस थोड़ा इतना नहीं किया जाता था पब्लिक की तरफ से पंजाब पुलिस पे, क्या आपको लगता है कि इस इनिशिएटिव से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में थोड़े बेहतरी आएगी? देखिए, ये अवेयरनेस से ही आएगी जब देर हैज़ बीन अ डिस्कनेक्ट। ये तो एक बात है कि डिस्कनेक्ट तो है पंजाब पुलिस लेट्स से पुलिस एंड सिटीजन्स में थोड़ा सा तो होता है, लेकिन मेरे ख़्याल में इस तरह अगर ये मुख्तलिफ कॉलेजेस में और स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे, यंग लोगों को एड्रेस करेंगे और पुलिस वाले खुद आएंगे और बातचीत करेंगे, तो दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन प्रमोटिंग करेज। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, आप मुझे बताइएगा, 4 साल आपने कहा मैं इसी कॉलेज में पढ़ी हूँ, आज उसके बाद इसी कॉलेज में आके एज अ पार्लियामेंट का मेंबर होना और उसके बाद इसी कॉलेज की लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टेप लेना, इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या तासुरात हैं? दिस कॉलेज इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ और जो मैं आज हूँ, मेरे ख्याल में आई ओ अ लॉट टू कनेट कॉलेज। जो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर मेरा बिल्डअप हुआ, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, ये वही हॉल है जहाँ पे हम लोगों ने भी ड्रामे किए थे, हम लोगों ने भी डिबेट्स की थी और बहुत एक्टिविटी की थी। ये जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, इनका मकसद जिस तरह डॉक्टर रुखसाना ने बताया कि जो एक डिसकनेक्ट है अवाम में और पुलिस में, ट्रस्ट डिफिशिट है, क्योंकि ख्वातीन हमारी और बच्चियां जो हैं सेफ नहीं फील करती हैं। आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, 85% जो हैं वो हरासा होती हैं पब्लिक स्पेसेस में, वो एक कॉन्फिडेंटली नहीं जा सकती हैं। ये जो वीमेन प्रोटेक्शन ऐप है, सेफ सिटी अथॉरिटी वाले जो हैं बहुत प्रोफेशनल हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त जेंडर बैलेंस है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ 25% ख्वातीन काम करती हैं। रिस्पांस मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग डेली इस ऐप पे इनको कांटेक्ट करते हैं और 5 से 10 मिनट में जो है वो रेस्क्यू सर्विसेज जो है वो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में लोगों को पता नहीं है, यहाँ पर भी मैंने जब पूछा तो
95% बच्चियों को नहीं पता था। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए हम तमाम पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी बच्चियाँ कॉन्फिडेंट और सिक्योर और सेफ़ और एम्पावर्ड नहीं फील करेंगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, अब हमारे क्रिएट कॉलेज के एक स्टूडेंट मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं कि उनकी तस्वुरात क्या हैं, कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा बिलाल। कौन से डिपार्टमेंट से? फातिमा, एनवायरमेंटल साइंसेज। अच्छा फातिमा, मुझे बताएं, पूरा सेशन अटेंड किया, कोई सजेशन देना चाहेगी कि ये होगा तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है और ज़्यादा आप सिक्योर फील करेंगी? सजेशन तो नहीं, पर मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अच्छी ऐप है, क्योंकि हम लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं और एक वेमेन मतलब यूनिवर्सिटी में ये सेशन की, इस वर्कशॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। डिफरेंट किस्म की हरासमेंट्स हो रही होती हैं रोड्स पे, सारा कुछ है, तो एटलीस्ट ये है कि अब हम ये देखें कि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है या हमारे कॉलेज के गार्ड्स कहाँ तक खड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस हुए भी हैं कि लड़कियों को किसी तरह से हरास किया जाता है, पर इस ऐप के थ्रू मेरा ख्याल है कि हम लोग जो है ना, वो बाहर निकलने से और अब डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स जाने से, कहीं पर भी जाने से, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी कि हम लोग अब सेफली जो है वो बाहर निकल सकते हैं। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो है कि ये ऐप आ गई है। और सजेशंस अभी तो कोई नहीं है, क्योंकि अभी इसका बिल्कुल स्टार्ट है और वो पूरी एक वर्कशॉप ली है हम लोगों ने, और अब हम लोग एम्बेसडर हैं और ऑब्वियसली हम लोग इसको आगे प्रमोट करेंगे, इस ऐप को। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं कि उनकी क्या तस्वुरात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब, कौन से डिपार्टमेंट से हो? मैं फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट। अच्छा ज़ैनब, क्या कहोगी, पूरी आपने सेशन अटेंड किया, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस की? आई बिलीव के इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बिकॉज वी एज लेडीज़ एज वी गो आउट तो हमें काफ़ी अनप्रोटेक्टिव फील होता है, और ये ऐप इज़ दिस वन थिंग के वी कैन ऑलवेज रिलाई ऑन। एंड ऑल्सो आई फील के अब हम एम्बेसडर्स हैं एक ऐप के, एंड वी शुड लाइक प्रमोट इट एवरीवेयर, सो आई हाईली रिकमेंड दिस ऐप। थैंक यू सो मच ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। आपका? महनूर। मीडिया स्टडीज़। मैं भी मीडिया स्टडीज़। अच्छा मुझे बताएं कि क्या इसकी, जो आपने पूरा सेशन अटेंड किया, आपको लगता है कि इस ऐप की ज़रूरत थी? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं भी यूजली एयरलिफ्ट वगैरह का यूज़ करती हूँ, तो जब मैंने आना जाना होता है तो काफ़ी मुझे लाइक इशू होता है कि मुझे सेफ फील नहीं करती, तो ये ऐप काफ़ी हेल्पफुल होगी सबके लिए, मतलब जिनको इस तरह के इशू आते हैं। कभी आपने मतलब आपको लगता है कि अब अगर मेरे ऐप में, मतलब मेरे मोबाइल में एक ऐसी ऐप है जिससे मैं कहीं भी चले जाऊंगी तो मैं सिक्योर फील करूंगी, तो इतना कॉन्फिडेंस आपको है पुलिस पे कि आप अब अपने आप को खुद सिक्योर फील करें? बिल्कुल, अभी तक तो एक्सपीरियंस इस तरह नहीं है, लेकिन जब एक्सपीरियंस हम करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम एक कॉन्फिडेंस हमारा आ जाएगा उस चीज़ पर। अच्छा एज एन एम्बेसडर मुझे बताएं कि आपने इस सब ऐप को प्रमोट करना है तो किस तरह आप प्रमोट करेंगी, जो लड़कियां यहां पर नहीं थीं या जो आपकी कज़न्स हैं या जो आपके रिलेटिव्स हैं, किस तरह बताएंगे आप? मोशन फैक्टर, हम लोग सोशल मीडिया पे कैंपिंग चला सकते हैं, लाइक हम लोग पेज डिज़ाइन करते हैं, उसके ऊपर हम सेफ सिटी ऐप का स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कैंपस एम्बेसडर्स बनाएंगे कि लाइक हर कैंपस एम्बेसडर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से है वो प्रमोट करे इसको, कि लाइक वो एक जैसे हर डिपार्टमेंट की, सॉरी हर यूनिवर्सिटी की जो होती है एक हेड गर्ल होती है, तो उनके ज़रिए हम लोग ये प्रमोट कर सकते हैं कि वो बाकी डिपार्टमेंट्स अपना ये प्रमोट करें, और फिर इसी तरह जो है ये ऐप जो है वो ज़्यादा स्पेक्ट्रम पे स्प्रेड होगी। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में आज ये स्टार्ट हुआ है, जो इवेंट हुआ है, तो हमारे भी हम लोग घर में जाके अपना बताएंगे कि हमारा ये है, इस तरह ये स्प्रेड होगा और फिर आई गेस ये लोग ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तानिया एहसान है। अच्छा तानिया, आपने पूरा सेशन भी अटेंड किया और आपने मेरे ख्याल में कंपेयरिंग में की, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी, क्या कहेंगी कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी इस ऐप की और किस हद तक मुस्तफ़ीद है? असल में जब हमारे तरफ ये परफॉर्मा आया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और मैंने टाइटल पढ़ा, तो आई वाज लाइक सेफ्टी ऐप फॉर वुमेन, दिस वाज ए नॉट ओनली अ मॉडर्न इनिशिएटिव बट दिस वाज आल्सो अ नेसेसरी इनिशिएटिव। और मुझे जिस बात की खुशी हुई है कि दे फोकस्ड ऑन हाउ टू जो हमारी आवाम है उसको बेस्ट वो फैसिलिटेट किस तरह किया जा सकता है, बट मेरे भी कुछ कह सकते प्रेपिडिशंस थे कि ऐप किस तरह काम करेगी, इफ़ेक्टिव है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू जो सेमिनार सारा प्रेजेंट हुआ है, जो वर्कशॉप उन्होंने दी है,
it seems that it's a light of hope and it does seem that it's effective. And I have high hopes and I'm very happy that we organized it. And I'm happy for the Punjab government to have organized it. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kya naam hai aapka? Aruba Ali. Acha Aruba, kabhi aapko zarurat padi police ke koi aisa aapke sath mishap hua ho jahan pe aapko laga ho ki aap insecure hain aur fir aapne police ko bulaya? मुझे लगता है आप किसी भी खातून से बात करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि बिल्कुल ज़रूरत तो पड़ती है. सो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे कॉलेज में मौजूद मेरे दोस्तों में हर जगह आपको ये चीज़ तो नज़र आती है कि हर किसी को ज़रूरत तो पड़ती है कहीं ना कहीं. यू फील इनसिक्योर, आप बाहर अकेले निकलते हो तो आपको कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ता है और वो भी डेली रूटीन में. इट्स नॉट लाइक ए वंस इन अ वाइल, यू फेस इट एवरी डे. सो बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, जब आप बिल्कुल कहीं अलग सिर्फ कहीं चलने फिरने जा रहे होते हो, अपनी तफरी के लिए कहीं जा रहे होते हो. सो ज़रूरत तो बिल्कुल पड़ती है. एंड आई थिंक इट्स सच अ प्रोग्रेसिव स्टेप टूवर्ड्स यू नो जस्ट इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, ताकि वो उनके पास एक मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई ना कोई एक इस तरह की चीज़ हो वेयर यू फील लाइक ओके आई कैन होल्ड ऑन टू इट, और मैं इससे अगर मैं मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको इससे मदद हासिल कर सकूँ. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप टूवर्ड्स दैट. जी नाजीन, अब हमारे साथ डीएसपी मंसूरुल हसन साहब मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं कि उनके क्या रिमार्क्स हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर क्या कहेंगे वुमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से, पंजाब पुलिस की विद कोलैबोरेशन ऑफ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, एक बड़ा ही एक कॉम्प्रिहेंसिव कदम था ज़्यादा सिक्योर और प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट फील करने के लिए, फील करवाने के लिए बल्कि लेडीज़ को, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है जैसे आप कह रही हैं. जैसे पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का एक मोटो है कि बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पुलिस कल्चर, तो ये एक उस तरफ ही एक कदम है. तो ये जितनी भी ख्वातीन हैं जो हमारी पंजाब के अंदर हैं, वो इस सेफ्टी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें. इससे एक तो ये कि उनकी कनेक्टिविटी विद द पुलिस जो है ना, वो बड़ी आसान और बड़ी प्रिसाइज हो जाएगी. उसके अंदर उनको अपनी लोकेशन रिवील करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी. इट्स वेरी सिंपल, आप जस्ट कॉल मेक अ कॉल फ्रॉम दैट ऐप और यू जस्ट स्टार्ट चैट विद द रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग इनसाइड द आवर सेंटर इन सेफ सिटीज़, तो इमीडिएटली उसकी लोकेशन जो है वो हमारे उसके ऊपर जिसके ऊपर शो हो जाती है. और अगर कोई खातून, कोई फीमेल रोड साइड के ऊपर किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को सेफ फील नहीं करती और कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रही, तो उस लोकेशन के रिवील होने के बाद हमारा रिस्पॉन्डिंग यूनिट जो है इमीडिएटली उस जगह पर पहुँच के तो उसको एड्रेस करेगा. तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि जो जो भी ख़वातीन जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, उसके मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, जहाँ दीगर दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स उनके पास मौजूद हैं, डाउनलोड की हुई हैं, ये उनकी हिफाजत के लिए है, ये उन्हीं के लिए बनाई गई है, एक्सपर्ट्स ने बनाई है. और इसके ऊपर एक टीम जो सी, एक डेडिकेटेड टीम जो सी है, वो 24/7 उधर हमारे सेफ सिटीज़ के अंदर मौजूद है और उनकी हर कॉल के ऊपर, हर चैट के ऊपर, हर हेल्प की जो है उसकी पुकार के ऊपर उसको वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगी. जी नाज़रीन, हम मौजूद थे कनेड कॉलेज में जहाँ पे हमने लड़कियों से जाना यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं दोनों से, कि कितना जो है ये मौसर इकदाम है और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और ये यकीन दहानी दिलाई कि अब वो जो है पुलिस पे अपना ट्रस्ट लेवल जो है वो मेंटेन भी करती हैं और पुलिस पे ट्रस्ट भी करती हैं. आपने क्या करना है, आपने सिंपली प्ले स्टोर में जाना है, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की एक ऐप है विमेन सेफ्टी ऐप, उसे डाउनलोड करना है. और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं, तो आप कमेंट के नीचे पूछ सकते हैं हमें. इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, सेफ रहें सेफ सिटी के साथ. अल्लाह हाफिज़.